अगर ये मान लो यहाँ पे मैं सैंपल करो 3 2 1 ये देख लो। हेलो मैं ओमकार, अभी ये एंट्री देख के पहचान गए होंगे कि मैं किस गाड़ी में बैठा हूँ। फिलहाल अभी मैं गाड़ी मेरी खुद की चला रहा हूँ, मारुति सुजुकी डिजायर 2019 मॉडल VXI मॉडल चला रहा हूँ इस वक्त। गाड़ी अभी आप खैर देख रहे होंगे 60 किलोमीटर पर आवर पर स्टिल चल रही है। अभी ये वीडियो बनाने का पर्पज क्या रहा है, मकसद क्या है, मैं अभी समझा देता हूँ। अभी ये 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, मारुति सुजुकी को बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ऐसे मुझे लगता है अभी। लेकिन ये मुझे लगा ऑनेस्टली ओपिनियन मेरा खुद शेयर करना चाहता हूँ, और ये जो आपको जो है वो इस ब्लॉग से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल मेरी व्हीकल जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, अभी 40-60 पे क्रूज किया हुआ है, मतलब क्रूज नहीं सेट है। अभी इस स्पीड से अगर बात करते हो इस गाड़ी की, अगर रफ्तार की, बिल्ड क्वालिटी की, तो डिजायर तक ठीक ठाक मुझे लगी, बलेनो तक इतनी खास नहीं है। लेकिन इंटीरियर वगैरह सब बेज कलर, ये वुडन फिनिशिंग यहाँ पे सब अच्छा दे रखा है भाई गाड़ी में, डिजायर में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे एक दिक्कत है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा कम है मारुति सुजुकी की। दूसरी चीज़ ये है कि ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब चीज़ें 10 लाख में, अभी ये गाड़ी तो VXR 9,80,000 लमसम 10 लाख में चली जाती है, 2019 में ली थी, अभी तो उसका फेसलिफ्ट आ चुका है। लेकिन गाड़ी में भाई उतनी मतलब जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं आता चलाने में, मतलब अभी मैं 80 के ऊपर प्रूव करता हूँ, गाड़ी लाइट वेट है, लाइट वेट परफॉर्मेंस तो अभी ऐसे ही खींच लेती है। लेकिन 83 PHP और वो 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, अभी मतलब कुछ चीज़ें मिसिंग लगती है भाई, अगर रोड पर रहते हैं ना भाई एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये खैर उसको तो इग्नोर करो, ये है ESP वगैरह ट्रैक्शन कंट्रोल, हालांकि ABS और EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन आता है, लेकिन जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे खींचते हो ब्रेक्स, तो कॉन्फिडेंट नहीं आता और ABS की फील आती है केबिन में। दूसरी चीज़ ये है तो टक 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 करके आवाज़ कोई सा नॉइस आता है। अभी ये फॉर गुड एग्जांपल मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर और मैं इमरजेंसी में पैनिक ब्रेक करता हूँ, तो वो थोड़ा मतलब 70-80 में कुछ नहीं लगता है। जैसे गाड़ी 100 किलोमीटर क्रॉस करते हो और आप अगर इमीडिएटली सर्टन ब्रेक्स लेते हो, पैनिक ब्रेक लेते हो, तो बहुत कुछ मिसिंग है गाड़ी में, मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर EBD की वजह से थोड़ी कम लगती है अनसेटल होती हुई। लेकिन जैसे ही पैनिक ब्रेकिंग करते हो 120 के ऊपर, भाई वाइब्रेशंस तो आते हैं, ABS की फील अंदर आती है केबिन में। तो ये ठीक है उस प्राइस सेगमेंट में, 10 लाख रुपए लेती है वो भी ठीक है, और जो है वो माइलेज एफिशिएंसी वगैरह फ्यूल एफिशिएंसी तो मारुति सुजुकी का कहना ही क्या। गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ और जो है वो मक्खन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। फिफ्थ गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आते हैं फिलहाल गाड़ी में, अभी तो गाड़ी फिर सामने से आ रही है, समझो मैंने गियर चेंज किया, समझ में भी नहीं आया। हालांकि ये मैनुअल है, इसका एक और भी वेरिएंट आता है यहाँ पे, ये मैं इंडिकेटर डाल देता हूँ, लेफ्ट इंडिकेटर क्या, और मैं अगर लेफ्ट मारता हूँ इस स्पीड से तो कुछ नहीं होगा, ये देख लो स्टेबिलिटी ठीक ठाक है। लेकिन यही स्पीड में कर्व मारता हूँ, अगर ये जीप कंपास वगैरह चलाता हूँ, फोर्ड की अगर कोई भी गाड़ी चलाता हूँ, अभी वो हाई प्राइस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, फिर भी उनके हैंडलिंग उतना तो नहीं मैं जो है वो एक्सपेक्ट करता, लेकिन ठीक ठाक तो होनी चाहिए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी तो चाहिए, 10 लाख रुपए मतलब कम कोई कीमत नहीं होती भाई। तो उस बार चीज़ थोड़ी इंप्रूवमेंट करने की यहाँ पर जरूरत है। अगर ये गाड़ी 5 लाख 60 हज़ार की मतलब लमसम 7 लाख भी होती तो भी चलता, लेकिन भाई 4 सिलेंडर इंजन अगर आप देते हो ये ऐसे, मतलब जो अच्छे खासे इंटीरियर देते हो पीछे, भाई कम्फर्ट मतलब होंडा हमें को तक टक्कर ये दे देती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कर्व मारते हो, अगर शार्प कर्व मारते हो तो भाई अंदर जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं आता ड्राइवर को, मतलब अभी वो जो है वो 2 एयरबैग्स वाला ये वाला वेरिएंट है, मतलब फ्रंट में 2 एयरबैग्स आते हैं VXI को, टॉप एंड लेते हो तो भी फिर भी 2 आते हैं, अभी तो 4 कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट मैंडेटरी टॉप एंड वेरिएंट को सिर्फ। यहाँ पे अगर अभी देख लो यहाँ पे कर्व आता है और मैं हॉर्न बजा के यहाँ पे कर्व मारता हूँ, तो गाड़ी सेडान होके भी थोड़ी वाइब्रेशन और थोड़ी झटके दे देती है, और ब्रेक्स अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और थोड़े बहुत जो है वो कैलिपर घिसते हैं, ये तो मैंने बात मतलब मैंने नोटिस की है मारुति सुजुकी में। और सबसे खतरनाक चीज़ मुझे लगी इस गाड़ी में, जो स्मूथ फिफ्थ गियर मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर शिफ्टिंग वाला गियर बॉक्स, अभी AMT में जर्क है, थोड़ा रबर बैंड वाला इफेक्ट आएगा अगर आप जो है वो एक्सीलेटर पे पैनिक एक्सीलेटर करते हो या फिर सर्टन एक्सीलेटर अगर प्रेस करते हो, थ्रॉटल प्रेस करते हो, तो आपको AMT में बता रहा हूँ, फोर्थ गियर AMT आता था उस टाइम, अभी फिफ्थ गियर कर दिया है पता नहीं, लेकिन फोर्थ गियर ये डिजायर में, लेकिन AMT के ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स होता है, स्मूथ 2000 तक चलता है वो भी, अभी इसका तो कोई नहीं, इसका तो इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे जो है वो डिपेंड होता है ये गाड़ी यहाँ पे, तो ये वाला गियर बॉक्स तो कोई रबर बैंड वाला इक्विपमेंट देगा ही नहीं। लेकिन भाई इसके प्राइस सेगमेंट में इस इतना ज़बरदस्त जो है वो फिफ्थ गियर मैनुअल ट्रांसमिशन वाला स्मूथ गियर बॉक्स मैंने आज तक नहीं, मतलब मैं ऑडी तक चला चुका हूँ ऑटोमेटिक वाली, उसमें फील नहीं आते, वो तो ऑडी का ट्रांसमिशन, लेकिन मैनुअल होके भी जो है वो टोयोटा भी इतने स्मूथ गियर नहीं दे पाती अपने प्राइस सेगमेंट में, ह्यूंडई भी नहीं कर पाती AMT गियर बॉक्स में या फिर CVT गियर बॉक्स में ऑटोमेटिक में, उसके थोड़े बहुत समझ में आते हैं 1-2000 RPM में अगर आप ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं करते हो तो, लेकिन भाई साहब इतना स्मूथ गियर बॉक्स,
KMT में अगर आप जोर से अगर थ्रोटल नहीं करते हो गाड़ी और एक्सेलरेट नहीं करते तो रबर बैंड इतने इफेक्ट नहीं आएंगे, ठीक ठाक शांत रिफाइंड है। लेकिन भाई ये जो है वो ओवरऑल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मतलब हाई स्पीड स्टेबिलिटी उतनी तो नहीं इस प्राइस सेगमेंट में, क्या ही दोगे, लेकिन अंडर 10 लाख फिर भी 10 लाख रुपए लेते हो भाई गाड़ी में। सेफ्टी थोड़ी, बिल्ड क्वालिटी सुधारनी चाहिए, और जो इनिशियल वाइब्रेशन होते हैं और जो ड्राइवर को मारुति सुजुकी रखते हो, मतलब सुजुकी वाली कंपनियां जो होती है मारुति सुजुकी की अपोजिट साइड वाली, मतलब ह्यूंडई ले लो उसी प्राइस सेगमेंट में, ह्यूंडई की एक्सेंट आती है इसकी कॉम्पीट करने वाली, या फिर ह्यूंडई की ऑरा आती है उसको चला के देखो, या फिर होंडा की अमेज चला के देखो, उसका ड्राइविंग डायनेमिक्स, उसके परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। लेकिन मारुति सुजुकी की ड्राइविंग डायनेमिक्स की अगर बात करते हो, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फील होते हैं गाड़ी चलाते वक्त, और ये जो स्मूथनेस है गाड़ी के इंजन में, तो जाओ ने की सीरीज का मक्खन इंजन है, पेट्रोल इंजन, रिफाइंड इंजन है, 1200 cc वाला इनलाइन 4 सिलेंडर यहाँ पे डिजायर में आता है। कैबिन तो कुछ इस तरह से लग्जरियस, काफ़ी अच्छी तरह से रही, बेज कलर आला कि यहाँ पे कैबिन में, फिर भी इतनी शांत और मतलब मक्खन इंजन मैंने आज तक नहीं देखा। और ह्यूंडई जितना और गाड़ियों के कोई भी गाड़ी सिलेरियो तक एंट्री लेवल की प्राइस सेगमेंट में वही है के सीरीज इंजन, टॉप एंड वेरिएंट तक चला के देख लो, टॉप एंड वेरिएंट तक वही के सीरीज इंजन आता है। फिर भी मुझे एक चीज़ बात इसमें खटकती है हमेशा, गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी, मतलब 80-90 में अगर आप कर्व मारते हो इमीडिएटली अगर कर्व मारते हो तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं आता भाई, वो होना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी सुधारना चाहिए, हालांकि थोड़ा रिफाइनमेंट कम भी हो जाए लेकिन बिल्ड क्वालिटी सुधारना चाहिए। आज के रेट में एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, मारुति सुजुकी वालों ये अगर वीडियो देख रहे हो तो सुधारो। दो एयरबैग्स तो कुछ काम के नहीं होते जब तक आपकी गाड़ी की थोड़ी बहुत तो बिल्ड क्वालिटी नहीं बन जाती। और ये अगर ये मान लो यहाँ पे मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, 3-2-1 ये देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प कर्व है हमारे, मतलब मैं जब गाँव में रहता हूँ उधर, ये देखो अगर मैं फिफ्थ गियर में अगर मैं कर्व मारता हूँ तो ब्रेक ज़्यादा लेना पड़ता है मुझे, मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं आता। और ब्रेक अगर भी पैनिक ब्रेकिंग करता हो और अगर अनसेटल रोड हो तो गाड़ी वाइब्रेट करती है, ब्रेक काट काट करके आवाज़ कैबिन में आता है, ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत सुनाना चाहिए। वीडियो देखने का मकसद यही था, 10 लाख रुपये डालते हो तो और 1-2 लाख रुपये डाल के ह्यूंडई वुंडई ले लो, रिफाइनमेंट आपको इतनी नहीं मिलेगी लेकिन सेफ्टी रेटेड वगैरह अच्छी खासी मिलेगी। मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ सबसे ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।